नारा के इस चीज को लेके समर्थ और अभिषेक जो है बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर मुनावर फारूकी ने इस चीज़ को ऐसे ही जाने दिया और मनारा का कहीं ना कहीं स्टैंड लिया। हालांकि आप लोगों को पता होगा, अगर पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बिग बॉस जो है मनारा और मुनावर के बीच में जो बातचीत होती है, जिस तरीके का इनका बॉन्ड है, वो लाइव फीड में भी नहीं दिखा रहे हैं ज़्यादा, और थोड़ा बहुत जो है वो दिखाते हैं एपिसोड में, जो कि कल के एपिसोड में बस कुछ चीज़ें ही जो है आप लोगों को दिखाई गई, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बात हुई। पर यहां पर एक चीज है कि इतनी सारा कंटेंट जो है मुनावर और मनारा देते हैं पर उनको दिखाया नहीं जाता, बेफजूल की बातें जो है वो दिखाई जाती है। अब मनारा ने जो है लेमन राइस सबके लिए बनाया है, वहां पर जो एक्चुअली में अभिषेक है उसने लेमन राइस नहीं, उसने राइस, व्हाइट राइस जो है वो निकाल के रख लिए हैं। अब ये इनकी ड्यूटी है बर्तन धोने की। अब बर्तन जो है वो गंदा हुआ है, वो तो धोना ही है ना। तो वहाँ पर आता अभिषेक समर्थ और बोलते हैं कि ये हम नहीं धोएंगे, एक एक चीज़ें बनाना, अगर पूरा मतलब कि बना के अगर बर्तन रखे जाए तो एक ही बार में धुल जाए, फिर ये बनाओ फिर उसको धो, फिर ये बनाओ फिर उसको धो, ये सब चीज़ें नहीं होता है। तो मुनावर बोलता है कि भाई जब मैं एक ही कढ़ाई है, मैं जब बनाता हूँ ना खाना, तब अंडा बनाता हूँ उसी कढ़ाई में, फिर उसको निकालता हूँ बाउल में, फिर मैं धोता हूँ, फिर मैं भिंडी बनाता हूँ, फिर मैं निकालता हूँ, मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। तो वहाँ पर समर्थ जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ड्रा करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मुनावर के ऊपर चढ़ते हैं मनारा की सपोर्ट लेने के चक्कर में। तो अब जो मुनावर है वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता और जाने देता है। हालांकि वहाँ पर तो यही चीज़ दिखाई कि जाने दे दिया है, पर एक चीज़ ये भी हुई कि भाई नारा की सपोर्ट ली है और वहाँ पर वो समर्थ और अभिषेक की इस बात से एग्री नहीं है। अब क्या ही घर में, बस ये बर्तन कौन धोएगा, ये स्लैब कौन साफ करेगा, मॉप कौन करेगा, और मतलब कि बस यही चीज़ रह गई है कि जिंदगी में और कुछ है ही नहीं, बिग बॉस ने ये कचरा करके छोड़ दिया है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।